तीन मिनट है आपके पास, थ्री मिनट्स ओनली, प्लीज स्टिक टू द टाइम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। रीजनल बैंकों की स्थापना 1975-76 में इसलिए हुई थी कि कॉरपोरेशन बैंक ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच पाए थे। इसका उद्देश्य छोटा किसान, मजदूरी, कारीगरी और छोटे मोटे व्यापारियों को कम ब्याज पर लोन देना था और यह काफ़ी हद तक सफल भी हुआ था। बाद में दो दो बार इन RRB का मर्जर भी किया गया और एक समय 196 RRB होते थे, मगर आज इसकी संख्या घटकर 60 पर हो गई है, 65 रह गई है। इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज RRB सिर्फ 196 करोड़ के शेयर कैपिटल से 3 करोड़ लोगों तक, लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के लोन दे चुके हैं और उसी पूंजी से इसने लगभग 2,40,000 करोड़ रुपये का जमा भी इकट्ठा किया है। मगर सरकार अब जो संशोधन लेकर आए हैं उसमें केंद्र सरकार के पूंजी को 85% से घटाकर 51 करने की बात है। दूसरा, RRB का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्राइवेट शेयर होल्डर की नॉमिनी का भी प्रावधान किया जा रहा है। तीसरा, संशोधन का जो ऑथराइज शेयर कैपिटल का को 5 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ करने की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी शंका प्राइवेटाइजेशन को लेकर है। सरकार को ये आश्वासन देना चाहिए कि प्राइवेटाइज पूंजी लगाने के बाद भी RRB के अपने मूल उद्देश्य पर कायम रहेगी। आज 2011 के जनगणना के आंकड़ों की ही बात करें तो सिर्फ 7% गांव में बैंकों की शाखाएं हैं। हमारे ओडिशा में अभी भी लगभग 4,597 ग्राम पंचायत भी विहीन है और इसमें से ज़्यादातर बैंक ऐसे इलाके में हैं जहां ट्राइबल, SC माइनॉरिटी और पिछले वर्ग के लोग वास करते हैं। इसके बारे में मैंने भी स्पेशल मेंशन में दिया था और हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी भी केंद्र सरकार को लिख भी चुके हैं। आज जन धन योजना की सफलता के लिए भी जरूरी है कि आप पहले इन इलाकों में बैंक खोलिए जहां बैंक नहीं है। रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ग्रामीण इलाके में लगभग 43% लोन महाजन और कमीशन एजेंट देते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे में भी बताया गया है कि पिछले साल किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण उन्हें लोन नहीं मिलना है। इस सब बातों को देखते हुए सरकार को RRB को और मजबूत बनाने की जरूरत है, इसलिए RRB एक्ट में संशोधन करने समय इस बिंदुओं को ध्यान में जरूर देखिए। इसी शब्दों के साथ हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।